नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी राजमा और मैं वन पॉट राजमा बनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये छोटा वाला कश्मीरी राजमा। इसको धो के 1 घंटा भिगो के रख दिया है। ज्यादा भिगोया नहीं है क्योंकि इसको फटाफट हम कुकर में बनाएंगे और जल्दी से बन भी जाएगा और गल भी जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। और अगर ना गले तो एक ट्रिक है, वो यूज करेंगे। और मैंने आपको पहले भी राजमा और मसूर की रेसिपी दी है, वो हमने गर्मियों में बनाया था गर्मियों के लिए, और ये राजमा हमारी सर्दियों के लिए क्योंकि खाली राजमा बना रहे हैं, तो पंजाबी राजमा बनाते हैं। आइए चलिए जी, अब हम ना राजमा को छौंकने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे जीरा, या तो शाह जीरा डाल लीजिए या रेगुलर जीरा। और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, जावित्री, 8-10 काली मिर्च, 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची थोड़ी सी खोल के, और दालचीनी 1 टुकड़ा। और जैसे ही हमारे सारे मसाले क्रैकल करने लग जाएं, इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। हमें ये प्याज ना बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट करना है। अभी प्याज में पानी बहुत आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे हमें प्याज भूनने में। फिर पहले प्याज बहुत अच्छे से भून लेना है। चाहे तो अपन सारा मसाला एक साथ पीस के भी बना सकते हैं, पर ये वाला जो प्रोसेस है ना, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट देगा, बहुत ही बढ़िया तरह से बनेंगे। जैसे मैं घर में बनाती हूँ वैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ, इतना बढ़िया बनता है ये। कहते हैं ना, चाहे पंजाबी कढ़ी हो, राजमा चावल हो, इनका स्वाद, या छोले हो, इनका स्वाद ना अगले दिन ही आता है। जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो जानते हैं कि नॉन वेज का स्वाद जो होता है ना, नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा आता है। वही सब कुछ इसी के साथ रहता है। हम जो भी ये बनाते हैं, राजमा, छोले, कढ़ी, वो अगले दिन ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, ट्रांसलूसेंट हो चुका है, कलर चेंज है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट 2 चम्मच, और अच्छे से इसके साथ चलाएंगे जिससे कि लहसुन की कचास निकल जाए, क्योंकि पंजाबियों को लहसुन खाना बहुत पसंद है पर कच्चा लहसुन नहीं पसंद है। इसलिए मसाले को अच्छे से भुना जाता है और खूब बढ़िया से इसको तैयार किया जाता है। नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा अगर चिपक रहा हो ना, क्योंकि लहसुन और अदरक दोनों साथ में हैं, तो थोड़ा सा मसाला अगर लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लीजिए और फिर इसको अच्छे से भूनिए। देखिए कितना बढ़िया भुन गया है, ऑयल रिलीज होने लग गया है ना। अब गैस को ना थोड़ा सिम कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हम मीडियम फ्लेम पर काम कर रहे थे। और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले जो कि रेगुलर हैं, जैसे कि मिर्ची, धनिया, 2 चम्मच धनिया, और 1/2 चम्मच हल्दी, मिर्ची आपके स्वाद अनुसार। मैंने 1 चम्मच डाली है। अब इस मसाले को, सूखे मसालों को ना इसके साथ अच्छे से भूनना है। और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। कई लोग ना राजमा को बॉईल करके भी बनाते हैं, पर अपन बॉईल करके नहीं बना रहे, अपन ऐसे ही बना रहे हैं सादे। तो इसके लिए मसाला बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अब इस सूखे मसाले को हमें भूनना है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेते हैं। ठंडा पानी डालेंगे, सारा कुकिंग प्रोसेस धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, और हमें चाहिए फटाफट काम, तो गर्म पानी डालिए। जल्दी से फटाफट हमारा मसाला भून के रेडी हो जाएगा। बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले की। अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे आप मसाला भूनिए। देखिए ऑयल रिलीज करने लग गया है मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो, ये आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, इसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अगर प्यूरी बना के डालते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं वो मुंह में आते हैं थोड़े, अगर नहीं चाहिए कि छिलके मुंह में आए तो आप इसको
कद्दूकस करके या ग्रेट करके डाल दीजिए। जो पंजाबी छोलों का जो असली टेस्ट है वो टमाटर से आता है, तो इसमें जो टमाटर डलेगा प्याज से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हमने लिए थे 4 प्याज, टमाटर हमने लिए 6 उसी साइज के। अब बढ़िया से अब मसाले को भूनना है, भूनना है और भूनना है जब तक कि पूरा ऑयल रिलीज नहीं हो जाए। अच्छे से भुन रहा है ना मसाला, और बहुत ही बढ़िया से भूनना है इसको। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि भुनाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी आप लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हो, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें मसाले की भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। अभी आप मसाला भून रहे हैं तो गर्म पानी ही यूज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला भूनिए, इससे आपका मसाला बहुत जल्दी से भुन जाएगा और बढ़िया भुनेगा। कई लोग होते हैं ना, उनको बिल्कुल प्लेन ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, तो प्लेन ग्रेवी अगर आपको खानी है तो आप ये ग्रेवी, ये मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा, इसको ठंडा करिए और इसको ब्लेंडर में पीस लीजिए और फिर इसमें आप अपने राजमा डाल के छौंक दीजिए। हमें ऐसे ही पसंद है तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं राजमा, और राजमा को इसके साथ पकाएंगे अभी। और इससे पानी अपना रिलीज करेगा ना राजमा, इसके अंदर मसाले भी जब्ज होंगे और इसका स्टार्च भी मसाले के साथ साथ इसमें आएगा, तो ये इसके साथ भूनना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल कच्चे राजमा बना रहे हो या उबाल के बना रहे हो तो आपको इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चे बना रहे हैं तो मसाले के साथ थोड़ी सी देर आपको राजमा भूनना चाहिए। ये टिप नंबर 2 हो गई। पहली टिप थी टमाटर अच्छा होना चाहिए इसके अंदर, और दूसरी टिप हो गई कि अगर आप कच्चा राजमा लगा रहे हैं, डाल रहे हैं इसके अंदर, तो उसे बढ़िया से भूनिए। 4 से 5 मिनट हमें इसके साथ भूनना है, जिससे कि हमारा 3 से 4 सीटी के अंदर हमारा राजमा बनके तैयार हो जाएगा। नहीं तो अगर हम भूनेंगे नहीं, प्रोसेस को टाइम ही देंगे, तो 8-10 सीटी लगानी पड़ेगी। और पर वो कुकर टू कुकर वेरी करता है। और अगर आप कच्चा राजमा यूज़ कर रहे हैं बिना भिगोए हुए, मतलब जैसे धो के और डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आप हाफ डन हो जाता है ना, जैसे एक सीटी आ गई, हाफ डन हो गया, अच्छे से उबाल आ गया, तो उसके अंदर जल्दी से ना आप ठंडा पानी डाल दीजिए। ठंडा पानी डालने से भी दोनों गर्म होगा राजमा, ऊपर से ठंडा पानी डाला तो उससे उसको एकदम झटका सा लगेगा और वो जल्दी से फूल जाएगा, जल्दी से पक जाएगा राजमा हमारा। तो ये हो गई टिप नंबर 3। अभी राजमा गले ना तो ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिएगा। थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं और इसको बढ़िया से इसके साथ भूनते हैं। चाहे तो आप ढक के मसाला भी भून सकते हैं और ओपन में मसाला भून सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। A few moments later. ये 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले के साथ राजमा भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जितने भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। मैंने लगभग इसमें 3 ग्लास पानी डाल दिया है। इस पोजीशन पे पहले आप अपना नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए। अब इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी 1 चम्मच क्रश करके, और हल्का सा गरम मसाला, इसको मिक्स कर देंगे और कर देंगे कवर, जिससे कि हमारी 4 से 5 सीटियां आ जाएं और हमारी सब्जी बनके, यानी हमारे राजमा बनके डन हो जाए। तो 4 से 5 विसल आने तक इसको पका लेते हैं, इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। A few moments later. ये देखिए जी, इसकी प्रेशर निकल चुका है और हमारे जो राजमा है बिल्कुल डन हो चुके हैं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसको फिनिश करेंगे हम हरे धनिए से गार्निश करके, और इसको करते हैं मिक्स। बढ़िया सा राजमा तैयार है, बिल्कुल गल चुका है। इसको चेक भी कर सकते हैं अपन, ये देखिए कितना बढ़िया से गला है। और अब इसको सर्व करते हैं। मेरे राइस तैयार हैं,
राइस मैंने रख लिए हैं। अब ये गया हमारा पंजाबी राजमा, इसको गार्निश करते हैं हरे धनिए से, क्योंकि आप सर्व करने जा रहे हैं। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।